पापा, बेटा कुछ लोग कह रहे थे कि तुम्हारा रिजल्ट निकल गया है। हाँ पापा आ गया है, दिखाना रिजल्ट जरा मुझे भी। पर मैंने अपना रिजल्ट दोस्त को दे दिया। रिजल्ट को दोस्त को दे दिया? तुम थोड़ा पगला हो क्या? माफ कर दो यार, अगली बार से ले आऊंगा। वो तुम्हारा हाथ में क्या है? हाथ में क्या है तुम्हारे? हाथ में तो कुछ नहीं हुआ भाई, तो ऐसे ही मैं ऐसा ही चलते रहता हूँ, लेके कुछ ना कुछ लेके चलते रहते। लाओ चल पापा। रिजल्ट। ये 10 15 25, ये क्या है? ये नंबर है भाई, मैंने तुझे इसीलिए पढ़ाया था क्या? मुझे माफ कर दो पापा, पापा एक बार और माफ कर दो पापा, मेरे से आप गलती नहीं होगा पापा, प्लीज प्लीज माफ कर दो पापा, माफ कर दो पापा प्लीज। इतना कम नंबर लाने के लिए तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में, तू ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, तू तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में, तू ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, तू तू कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं। अरे बाप रे, ये सपना था भाई। तो क्या हाल सभी के? मेरा हाल तो बहुत बुरा है। क्यों? क्योंकि कल आया मुझे बहुत बुरा सपना, और इस सपना को मैं हकीकत में नहीं होने देना चाहता, इसलिए आज मैं लेने वाला हूँ 7 दिनों का स्टडी चैलेंज। तो इन 7 दिनों में मैं करने वाला हूँ इतना नोटबुक कंप्लीट रीडिंग, यानी कि पूरा याद करना है, और 50 से 60 ऑनलाइन क्लास करने वाला हूँ 7 दिनों में। तो अब आपको लग रहा होगा कि ये टास्क तो कोई भी कर सकता है, लेकिन इसे 7 दिन में करना इज अ नॉट अ इजी टास्क। लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं एक टास्क ऐड करने वाला हूँ, वो टास्क है इन 7 दिनों में मुझे 50 पुशअप मारना है। तो आपको क्या लगता है, 7 दिनों में ये चैलेंज और 50 पुशअप मुझसे कंप्लीट हो पाएगा या नहीं? मुझे तो नहीं पता, चलो देखते हैं। डे वन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि आपको और मुझे कंफ्यूजिंग ना हो, इसलिए मैंने हर एक नोटबुक पे एक अल्फाबेट लिखा है, जैसे कि ये देखो, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। तो भाई मैं डे वन को स्टार्ट करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, लेट्स गो, डे वन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन आगे मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिससे मेरे लिए इस चैलेंज को कम्प्लीट करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो भाई हमारा ये चैलेंज स्टार्ट होता है, देखो 19 अक्टूबर को, और ये चैलेंज खत्म होगा 26 अक्टूबर को, लेट्स गो। तो डे वन का मेरा टास्क है, 7 से 8 ऑनलाइन क्लास और कॉपी नंबर 1 कंप्लीट रीडिंग, और साथ में 20 पुशअप्स आज डे वन में करना है, 20 पुशअप, लेट्स गो। चलो डे वन को ऑनलाइन क्लास से स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो चलो पहला ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। तो भाई मैंने अभी अभी एक किया है क्लास कंप्लीट, तो अब करते हैं दूसरा क्लास, लेट्स गो। तो भाई दूसरा क्लास भी मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है, अब ऑनलाइन क्लास नहीं करते हैं, 2 क्लास हो चुका है, बचा है 5, उसको करेंगे बाद में। मुझे नहीं पता था कि ये गलती मेरे लिए डे वन का सबसे बड़ा गलती हो जाएगा, हाँ सबसे बड़ा गलती। पहले कर लेते हैं कॉपी नंबर 1 का कंप्लीट रिविजिंग। तो 2 घंटे देने के बाद हमारा कॉपी नंबर 1 का कंप्लीट रीडिंग हो गया। कॉपी नंबर 1 तो खत्म हो गया, अब चलते हैं पुशअप करने। तो पुशअप करने के लिए इस कपड़े को बदलना पड़ेगा, लो बदल लेता हूँ, कैसा लगा? चलो स्टार्ट करते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। Thank you.
बस हवा निकल गई लगिन बेस करके रहेंगे भाई लगिन बेस करके रहेंगे भाई। अच्छा हमको सिखा रिया है बेटा तुमसे ना हो पाएगा। दस 11, 12, 13, 14, 15, मैया पड़ गईया, 15, मैया पड़ गईया, 16, भाई पढ़ गया यार भाई पढ़ गया यार भाई 16 के आगे ना हो रहा भाई करेगा भाई 17, 18, 20 भाई बात पर लाइक मारो लाइक 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 चाहिए भाई 20 कर दिया मैंने लेकिन मैंने टोटल 20 कर दिया है आप लोग अगर गिन रहे होगे तो सो चलते हैं 5 ऑनलाइन क्लास और बचा हुआ है उसे कंप्लीट कर लेट्स गो। तो पहला दिन में तो सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ मुझे पुशअप करने के बाद जाना था ऑनलाइन क्लास करने लेकिन फिर बिजली चली गई जिसके कारण मेरा ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाया यार आज का सिर्फ 5 ऑनलाइन क्लास बचा था अगर ये कर लेता मैं कंप्लीट तो मेरा आज का पूरा टास्क कंप्लीट हो जाता लेकिन इसके लिए मुझे माफ़ कर देना मैं अब से मेक श्योर करूँगा कि आगे गलती ना हो डेली का टास्क डेली कंप्लीट करूँ। चलो डे 2 को स्टार्ट करते हैं और मेक श्योर करूँगा कि इसका हर टास्क कंप्लीट हो लेट्स गो। तो चलो भाई डे 2 को स्टार्ट करते हैं लेट्स गो। तो पाजी क्या हाल चाल है? तो कल के लिए मैं आज भी शर्मिंदा हूँ पर क्या करूँ कल के लिए आज थोड़ी खराब कर सकते हैं भाई। ओए तो आज का मेरा टास्क सिंपल है क्या से बताता हूँ देखो कल मैंने किया था 20 पुशअप तो आज थोड़ा इनहेंस करेंगे तभी तो 7 दिन के अंदर 50 कर लेंगे ना भाई तो आज करेंगे 30 पुशअप। झूठ बोल रहा है फट जाएगी मुझे पता है आप लोगों को मेरे फटती है तो आप लोगों को मजा आता है पर आप लोग लाइक नहीं करते ये मेरे को अच्छा नहीं लगता लाइक करो। अच्छा हमको सिखा रिया है तू लाइक नहीं कर रहे लाइक नहीं करो। और दूसरा टास्क क्या है अरे मुझे क्या पता मुझसे पूछे जा रही है बार बार। कल मैंने किया था 2 ऑनलाइन क्लास आज तो 7 से कम नहीं करना है भाई। और तीसरा टास्क है ओपी नंबर बी का कंप्लीट रेडी लेट्स गो चलते हैं मजा करते हैं भाई। तो इस टास्क से भरे दिन को ऑनलाइन क्लास से स्टार्ट करते हैं लेट्स गो। ओ भाई क्या बताऊं 3 घंटे से 2 ऑनलाइन क्लास 3 घंटे से मैं ऑनलाइन क्लास कर रहा हूं अभी तक 2 ही हुआ है और देखो भाई एक ये मैथ का और एक ये हिंदी का हुआ है कॉपी अलग अलग हुई देख लो। अब मुझे कल की तरह ही 5 ऑनलाइन क्लास और करना है और मैं कल की तरह उसे बाद में नहीं करूँगा नहीं तो छूट जाएगा इसीलिए अभी आप लोग मिलता हूँ। मेरा ये जो आँख है ना भाई पूरा दुख रहा है मेरा आँख पहले से ही छोटा है और जब और ज़्यादा स्क्रीन पे देखता हूँ
ज़्यादा देर, अगर मतलब कोई थोड़ा सा पेन उन होता तो ये आँख है ना और छोटा हो जाता, मेरा आँख भी बहुत छोटा हो चुका है और मेरे को अभी आ रहा है बहुत तेज़ आलस, मेरे को लग रहा है मैं सो जाऊँ, लेकिन पाँच क्लास करूँगा सबसे पहले, उसके बाद ही रेस्ट लेने वाला हूँ मैं, तो लेट्स गो करते हैं पाँच और क्लास, अब मिलते हैं आपको सीधा, पाँच क्लास करूँगा तो मिलूँगा, लेट्स गो भाई। भाई 5 घंटे देखने के बाद हमारा पूरा ऑनलाइन क्लास कंप्लीट हो गया है, मतलब कि दो क्लास पहले किया था अभी किया है 5 क्लास, मेरा आंख दर्द दे रहा है और ये जो फिंगर है ना ये देखो, ये जो पेन पकड़ते हैं ऐसे, ये वाला पूरा पेन हो रहा है भाई। 5 घंटे से मैं ऑनलाइन क्लास ख़त्म करने पे लगा हुआ था, फाइनली अभी 5 ऑनलाइन क्लास ख़त्म हो गया, मतलब कि पूरा 7 के 7 ऑनलाइन क्लास ख़त्म हो गया, आज का टास्क मेरा कंप्लीट। अब चलते हैं कॉपी नंबर बी का रीडिंग करने हैं, लेट्स गो कॉपी नंबर बी का रीडिंग करते हैं। दो घंटे लगातार मेहनत करने के बाद हमारा कॉपी नंबर बी का कंप्लीट रीडिंग हो गया, तो चलो अब चलते हैं पुशअप करने, लेट्स गो। चलो स्टार्ट करते हैं पुशअप। तो आज करेंगे 30 पुशअप, आज करेंगे 30 पुशअप। अबे साले हुआ है फ्रॉग से करते हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं, भाई ये भाई तीस किया ना मैंने नहीं। आज का टोटल टारगेट कंप्लीट कर लिया भाई, चलो देख रहे हो पसीना पसीना और अब होया पड़ा है पूरा। चलो मिलते हैं आपको कल, बाय बाय। इसी डेली रीडिंग को फॉलो करके मैंने 4 दिन और कंप्लीट कर लिया, तो आज है इस चैलेंज का 7वां दिन और पक्का यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यह 7वां दिन कहाँ से आ गया, Day 3, Day 4, Day 5 and Day 6 कहाँ गया, तो मैं आपको बता दूँ। तो जैसे मैंने Day 1 and Day 2 कंप्लीट किया था वैसे ही Day 3, Day 4, Day 5 and Day 6 कंप्लीट किया था, तो एक ही चीज को अगर मैं डाल देता तो आपको अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने उसको नहीं डाला। Let's go. रुको, एक बात और बताना चाहता हूँ, ये बात मैं आपको डे 4 में ही बताना चाहता था, लेकिन मुझे वैसा मैंने सोचा कि इसको सुधारते हैं, तो मैंने इस पे काम भी किया लेकिन ये सुधर नहीं रहा भाई और बिगड़ते जा रहा है। तो ये है कि डे 4 से मुझे बहुत चेस्ट में और इस हैंड के मसल में बहुत तेज पेन हो रहा है और ठीक नहीं हो रहा भाई, मैं क्या करूँ यार, मुझे पुशअप करने, मुझे 50 पुशअप का टारगेट
बहुत कम उम्मीद है कि कंप्लीट हो पाएगा। चलो देखते हैं, अभी पक्का एक दिन है, अगर होप की आज हो जाए। लेट्स गो, अब चलो। क्या पुशअप करेंगे लास्ट में, पहले करते हैं डे 7 का पूरा टारगेट कंप्लीट। टारगेट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये टारगेट है, तो मैं झट से कंप्लीट करके आता हूँ। आपको लग रहा होगा कि मैं झट से आऊँगा, लेकिन ये 7-8-9 भी हो सकता है, 9 घंटे का मेहनत होगा। तो झट से देखो, चुटकी बजाऊँगा, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा मैं नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सबको निपटा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो डे 7 के पूरे टास्क को कंप्लीट करके आते हैं, लेट्स गो। डे 7 का सारा टास्क कंप्लीट मैंने कर लिया है, अब चलते हैं पुशअप करने। उसके पहले आपको दिखा दे क्या क्या कंप्लीट किया है, चलो देखो। तो ये देखो भाई, मैंने इतना सारा ऑनलाइन क्लास किया है, और देखो कॉपी नंबर F का कंप्लीट रिविजिंग किया है। देखो भाई कितना मोटा है, ये मैथ का कॉपी है, और इसको रिविजिंग करने में पूरा 3 घंटा मेरा गया है। देखो अब पुशअप करने की बारी है, तो पुशअप करने के लिए इस कपड़े को चेंज करना पड़ेगा। कर दूं? देखो भाई, देखा भाई, हो गया। चलो अब पुशअप करते हैं, लेट्स गो। स्टार्ट करते हैं, बस हवा निकल गई। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप। अच्छा पूरा भाई अंदर दिन लग गया यार, भाई पूरा अंदर तेरा भाई मेरा, खाओ माँ कसम। भाई रियली एक्सपीरियंस में से बोलूंगा, ठीक है, मुझसे एक बार में रेगुलरली करूंगा तो 15 होगा, 15 से ज्यादा मैं नहीं कर सकता भाई। फ्लैशबैक, मुझे 50 पुशअप मारना है। 15 होगा, 15 से ज्यादा मैं नहीं कर सकता भाई। अब आए ना लाइन पे। तो भाई मेरा जो टारगेट था 50 पुशअप का, वो मेरे हिसाब से मतलब कि मेरे लायक नहीं था। मैंने जल्दबाजी में, मुझे लगा कि अरे यार 50 पुशअप है, कौन जल्दी आराम से कोई भी कर लेगा, लेकिन भाई 50 पुशअप इज़ नॉट अ ईजी टास्क। पर ये खुशी भी है कि 5 पहले होता था, अभी 15-20 कर ले रहा हूँ मैं, तो ये खुशी भी है। और मेन मोटिव मेरा पुशअप नहीं था, मेन मोटिव मुझे सपना आया, जिसके वजह से मैंने चैलेंज लिया कि भाई मुझे मेरे फैमिली से डांट नहीं सुनना, स्टडी मेन मोटिव मेरा स्टडी था, और स्टडी का मेरा टोटल चैलेंज कंप्लीट हो गया, इसके लिए मैं हैप्पी हूँ। तो ये हाँ, ये होता है ना भाई कि कभी कभी जो आप लोग नहीं चाहते हो वो हो जाता है, और कभी कभी आप लोग जो चीज़ के लिए जितना मेहनत करते हो ना, वो ही वो वहाँ तक आप पहुँच नहीं पाते हो, ये बात होता है। तो मेरा भी वही है, लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि स्टडी का टारगेट मेरा कंप्लीट हो गया। तो आखिरकार हमारा डे 7 कंप्लीट हुआ। यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।